नाज़रीन इकराम, ये है वाज़ीम शख्सियत जिनके इंतकाल की खबर सुनकर लाखों आंखें अश्कबार हुई, लाखों की तादाद में जिनके जनाजे के अंदर लोग शरीक हुए। ये वाज़ीम शख्सियत है जिनकी जनाजे की नमाज़ पढ़ाने के लिए हज़रत मौलाना साद साहब दामत बरकातुल आलिया तशरीफ़ लेकर आए। इन्होंने तकरीबन 108 साल 10 साल की उम्र पाई, ये तो लोग अंदाज़े से कहते हैं, तकरीबन इन्होंकी 115 साल उम्र थी। और आपने पूरी ज़िंदगी मरकज़ निज़ामुद्दीन पे और तबलीग के लिए वक्फ़ कर दी थी, अपनी पूरी ज़मीन जायदाद अपनी लड़कियों में तकसीम कर दी थी। आप जो देख रहे हैं कि एक सादा सा मकान है, यहीं पर आप तशरीफ़ फरमा रहते थे। ये देखो चारपाई, इतनी सादा ज़िंदगी आपकी थी। बस्ती वाले गांव वाले आपसे कहते थे आपके लिए अच्छा इंतज़ाम करें, लेकिन आप उसको तैयार नहीं होते थे। लखना का गांव के अंदर आपको उस्ताद जी के नाम से जाना जाता था। और आपको ये भी बता दें, मियाँ जी रहमतुल्लाह अलैह के कोई लड़का नहीं था, आपकी लड़कियां ही थी सिर्फ। आपने अपनी पूरी ज़मीन जायदाद लड़कियों में तकसीम कर दी थी और आप अपनी ज़िंदगी पूरी मरकज़ के नाम पर वक्फ करके वहीं पर मुकीम हो गए थे। लेकिन बीमारी की वजह से गांव के लोग आपको ले आए थे और बरकत के तौर पर गांव के लोग आपकी बहुत ज़्यादा खिदमत करते थे। गांव का आदमी कहीं दूर जाता था या कहीं दूर से आता था तो मियाँ जी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में ज़रूर आता था, आपकी दुआएं लेता था। मियाँ जी रहमतुल्लाह अलैह इस उम्र के अंदर भी आप और आपकी अहलिया दोनों बग़ैर चश्मे के कुरान करीम की तिलावत करते थे। सुबह शाम रात दिन आपका यही मशगला था। अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ जी रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया भी हयात हैं, अल्लाह तबारक ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मियाँ जी फूल मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में थे। मियाँ जी फूल मोहम्मद साहब घराने के एतबार से बहुत मालदार थे, लेकिन आपको इस दुनिया से माल दौलत से कोई लेना देना नहीं था। आपने अपनी ज़िंदगी के आखिर के तकरीबन 20 साल इसी सादा से मकान के अंदर गुजारे और यहीं अल्लाह को प्यारे हो गए। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक ताला हमें भी दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए और ऐसी पाक साफ़ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।